स्टॉप कर देना। हाय फ्रेंड्स, मैं जमाल खान। ये शेवरले इंजॉय है डीजल वाली, इसका ब्रेक लेने पे एक आवाज आ रहा है जो ब्रेक पैड में मालूम पड़ रहा है। सो मैं आपको चेक करके अभी बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका ब्रेक पैड टोटली खत्म हो चुका है ये, और इसका ब्रेक डिस्प्ले प्लेट पे भी लाइनिंग बन गया पूरा। सो मैं आपको ये ब्रेक पैड रिप्लेस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कैसे रिप्लेस करने है, क्या क्या प्रोसीजर इसमें लगने वाला। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। ये बोल्ट खोल के लेने के बाद में ब्रेक पैड चेक करने क्लियर तो आ रही है वैसे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ब्रेक पैड टोटली ख़त्म हो चुका है और इस पर पूरा लाइनिंग बन गया है इस पर। तो इसका डिस्प्ले जो है वो मैं ख़राब मशीन पर बेच के फ्रेश करके लेने वाला हूँ थोड़ा करीब। ये देखो फ्रेंड्स, इस पर पूरा टोटल लाइनिंग बन गया, गड्ढा गड्ढा बन गया पूरा। सो यही रीज़न था जो ब्रेक पैडल दबाने पे ब्रेक पैड में अगले में आवाज़ आ रही थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले कितना टोटल लाइनिंग बन गया, पूरा गड्ढा गड्ढा बन गया है। इसको अभी ख़राब से फ्रेश करके लेना होगा। ब्रेक पैड ऐसे भी लगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे अगर लगा दिया तो ब्रेक भी अच्छा नहीं आएगा और ब्रेक का आवाज़ ब्रेक पैड अभी करेगा और ख़त्म हो जाएगा ब्रेक पैड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले पे पहले कितना लाइनिंग था, पूरा गड्ढा गड्ढा था। अभी ये डिस्क प्रेस करके ले लिया है तो ये टोटली अच्छा हो गया। अभी ये इस पर डिस्क ब्रेक पैड की पकड़ बिल्कुल बराबर अच्छे से आएगी। सो अभी मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। ब्रेक पैड ब्रैकेट कैरियर है, इसका ये कैलिपर पिन लगा रहता है ब्रेक पैड बदलने के टाइम पे, इसको भी चेक करना होता है। ये ब्रेक पिन ऐसा चलता हुआ ना चाहिए, कैलिपर पिन ये अगर चलता हुआ नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो ब्रेक पैड की पकड़ ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से गाड़ी भारी चलेगी और ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म होने के चांस रहते हैं। सो इसको भी हमें साफ़ करके लेना होता अगर जाम है तब। तो फ्रेंड्स, ये 18 नंबर के बोल्ट हैं, ऐसे दो बोल्ट लगे होते हैं, ये दोनों मुझे इधर लगा के लेना होगा। ये इसका जूना वाला ब्रेक पैड है और ये इसका नया वाला है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा घस गया है, ये पूरा ख़त्म हो चुका है और ये नया वाला है, ये अभी टोटली अच्छा है। सो अभी मैं ये ब्रेक पैड इंस्टॉल करने वाला हूँ इसमें। सो फ्रेंड्स, मुझे अभी इसको पिस्टन को भी अंदर प्रेस करके लेना होगा। जब नया वाला ब्रेक पैड डालते हैं तो ये पिस्टन बाहर की तरफ होता है, नया वाला पिस्टन ब्रेक पैड डालने के टाइम पे इस पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस करके लेना होता है। प्रेस करके लेने वाला हूँ।
स्टॉप है ना। तो फ्रेंड्स मैंने ये साइड के ब्रेक पैड डाल के इंस्टॉल कर दिए, ये कंप्लीट कर दिया है। सो उस साइड का ब्रेक पैड लगाने का भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा।